पता नहीं मेरा क्यों मन ना शुरुआत से नेपाल राइड पे रुद्रा को लेके जाने का है, मतलब राइड के लिए तैयार पूरी की पूरी। देखा नहीं इसका बैग वापसी कर दिया, वो तो देखो देखो सब हैरान होके देख रहे हैं। इसे कहते हैं एग्जॉस्ट, मतलब आज तक शायद आपने ऐसा एग्जॉस्ट नहीं देखा होगा। और हमने रूट चेंज कर दिया, पहले हमने सोचा था हम सनोली बॉर्डर से जाएंगे, अभी नहीं, अभी हम जा रहे हैं बिहार वाले रास्ते से। तो भाई फाइनली हमने ये सिलेक्ट किया। लो भाई लो, ये आ गई हमारी न्यू विंडशील्ड। वो इन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा ना, यहाँ से सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टा पे भी फॉलो कर लेना। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। अब आपको फिर से क्या कहानी बताऊं, फिजियो के लिए जा रहे हैं। बस सुबह उठ के अपने को ये सोचना होता है कौन सी बाइक लेके जाएं, और सबसे बढ़िया मेरे को अपनी 1250 लगती है चलाने में ना, तो इसी को लेकर जाएंगे। H2 तो है ही, लेकिन सुबह सुबह क्या शोर मचाना। लेट्स गो लेट्स गो। आज फिर से लेट हो गए। एक्चुअली कल का दिन जो निकल गया ना, इतना ज़्यादा हेक्टिक वाला था ना, पूरा दिन भागा दौड़ और काम फिर नहीं हुआ। दुकाटी अभी भी सर्विस सेंटर ही खड़ी हुई है। टाइम देखो 10:45 होने वाले, घर से निकल रहा हूँ अभी। पता नहीं मेरा क्यों मन ना शुरुआत से नेपाल राइड पे रुद्रा को लेके जाने का है, मतलब रुद्रा भी जाए H2 भी जाए, जैसे हमने पहले दोनों बाइकें लेके गए थे ना, ये दोनों तो जाए जाए। और पता नहीं शायद भगवान भी यही करना चाह रहा हो। कल दुकाटी चलाई, पहले एक बारी फ़ैन बंद हो गया, कंपनी दिखाया, फिर दोबारा बंद हो गया, शायद कोई हिंट मिल रही हो। अभी मैं इसकी लो वाली सीट भी लेकर आ गया, लो वाली सीट ही मैंने लगाई हुई है। एक बारी साहिबा आएगी चला के देख लेगी, अगर कंफर्टेबल होएगी तो यही लेकर जाएंगे। बीच बीच में एक्सचेंज कर लेंगे, उसने H2 चला ली, मैंने ये चला ली, और भी बाइक हैं, एक्सचेंज करते करते चला लेंगे। बिकॉज ये राइड ना बहुत लंबी होने वाली है, और हमने रूट चेंज कर दिया, पहले हमने सोचा था हम सनोली बॉर्डर से जाएंगे, अभी नहीं, अभी हम जा रहे हैं बिहार वाले रास्ते से। बिहार होते हुए सिक्किम होते हुए हम चढ़ेंगे काठमांडू की साइड, और फिर हो सकता है वापसी भी वहीं से आएंगे, क्योंकि सनोली के बाद का जो रास्ता है ना बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, तो रिस्क वाला काम कोई नहीं लेना हमने। लो भाई पहुंच गए हम। एक्सरसाइज पार्ट डन, सिर्फ मशीन पार्ट रह गया। तो अभी इसमें लो सीट लगाई है ना, तो सर को एक बार बिठा के चेक करवा रहा हूँ, दोनों पैर आराम से लग रहे हैं, है ना, कंफर्टेबल हो गई है। और मेरे को लग रहा था लो सीट शायद कंफर्टेबल नहीं होगी, लेकिन ये थोड़ी है, सही है, कंफर्टेबल भी है। कल सुबह 100% हमने राइड पे निकलना ही निकलना है, और अभी तक एक बाइक फाइनल नहीं हो पा रही कौन सी लेकर जाए। उसका मन मल्टी स्टार्टर पे ही है, क्योंकि उसने खुद पसंद करी थी, उसको अच्छी लगती है, और मेरे को लग रहा है कि ये लेकर जानी चाहिए। लो बाय, होम स्वीट होम। अपनी रुद्रा को ना अभी हम बाहर ही खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि साहिबा आएगी इसको चला के देखेगी, अगर ये कंफर्टेबल होगी तो ये लेकर जाएंगे, नहीं तो मुझे नहीं पता भाई कैसे जाएंगे। कोको क्या हो रहा है? कोको को पता लग गया कहीं हम जा रहे हैं, मैंने टॉप बॉक्स भी निकाल लिया, इतना सारा सामान भी निकाल लिया, ड्रोन भी चार्ज हो रहा है, हेलमेट भी मैंने वो वाला सेटअप कर लिया, सीट हमने दूसरी बार लगा ली, ऑक्टेन बूस्टर एकदम रेडी है, और इसको भी समझ में आ गया कहीं ना कहीं तो हम जा रहे हैं। देखो 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 इसको, और अभी टाइम देखोगे 2:35। और अभी का अपना प्लान क्या है ना, मेरे को जाना है एक बार राइडिंग गियर देखने के लिए, मैं सोचो एक नए राइडिंग गियर ले लूँ, नई राइड है, और उसके बाद जाना है मेरे को अपनी विंडशील्ड चेंज कराने के लिए, अपनी रुद्रा की विंडशील्ड जो है ना आगे से टूटी हुई, अभी नीचे जाता हूँ आपको वो दिखाता हूँ। उसके बाद जाना मेरे को एग्जॉस्ट चेंज कराने के लिए, साहिबा कह रही मैं ये बाइक चला तो लूंगी, लेकिन मेरे को ये वाला एग्जॉस्ट नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा शोर मचाता है, मेरे को चाहिए साइलेंट बाइक, मजा आया चलाने में। तो ये तीनों काम करने जाना है, ये तीनों काम हो जाएंगे, आके पैकिंग वैकिंग करूंगा, ये वाली वीडियो एडिट करूंगा, और कल सुबह हम निकल जाएंगे नेपाल के लिए। और घर से निकलने से पहले ना आपको एक चीज और बता दूं, मेरा एक बहुत ही खास दोस्त है जो इस वीक ना अपना 12th बर्थडे मना रहा है, मेरा बिग पार्टनर OctaFX, हैप्पी बर्थडे, और इस बर्थडे पे ना वो आपको भी गिफ्ट देगा। ज्यादा कुछ नहीं करना, कुछ सिंपल से स्टेप्स है जिनको फॉलो करना है, और जो कॉन्टेस्ट की ड्यूरेशन है ना वो है 31 जुलाई से लेकर 14th अगस्त तक। सभी के सभी पार्टिसिपेंट्स को 12 कूल प्राइजेस में से कोई भी प्राइज जीतने का मौका मिलेगा। आप सोचो उस कूल प्राइज के बारे में, और इमेजिन करो अपने आप को iMac यूज करते हुए। अब तैयार हो जाओ ऐसी बढ़िया जर्नी के लिए, और मौका पाओ अमेजिंग गिफ्ट जीतने का। तो अब सारे के सारे ध्यान से सुनो कैसे हिस्सा लोगे आप। सबसे पहले तो डाउनलोड करो OctaFX ऐप स्टोर या वेबसाइट पे, और अकाउंट क्रिएट करो अगर आपका अकाउंट नहीं है तो। उसके बाद आप वेबसाइट के कॉन्टेस्ट सेक्शन में जाओ, देन उसके बाद साइन अप करो OctaFX बर्थडे कॉन्टेस्ट के लिए, और जब रजिस्ट्रेशन हो जाए उसके बाद शुरू करो ट्रेडिंग करना पॉइंट्स गेन करने के लिए। जितना ज्यादा ट्रेड उतने ज्यादा चांसेस जीतने के, और याद रखना जितने भी न्यू और एग्जिस्टिंग यूजर है ये कॉन्टेस्ट सबके लिए अवेलेबल है, तो ये सही टाइम है, अभी जाओ शुरू करो। और हाँ, मेरा प्रोमो कोड प्रभजोत भी यूज कर लेना अपना डिपॉजिट डबल करने के लिए। तो मैं ना अपनी बाइक का टॉप बॉक्स भी साथ में लेके जा रहा हूँ, कुछ सामान वामान होगा ना इसमें डाल लाऊंगा, उठाना नहीं पड़ेगा कंधे पे दोबारा। राइड के लिए तैयार पूरी की पूरी।
तो अभी अपनी जर्नी की शुरुआत कर रहे हैं हम राइडर प्लेनेट से, वहां पर जाना हमें राइडिंग गियर लेने के लिए, उसके बाद हम जाएंगे कावासाकी जीवी की विंडशील्ड लेने के लिए, उसके बाद हम एग्जॉस्ट चेंज कराने जाएंगे मासूम पे। मेरे को लग रहा है रात को घर पहुंचूंगा, फिर उसके बाद पैकिंग करूंगा, वीडियो एडिट करूंगा, सोते सोते 2:30 बज जाएंगे रात के। कोशिश करते हैं जल्दी काम खत्म करते हैं, नींद पूरी होना जरूरी है क्योंकि सुबह हमें निकलना जल्दी 4 या 5 बजे। लो भाई लो पहुंच गए खन्ना जी भी, हमें रोड पर मिल गए थे। नहीं सही में ये लाइट बहुत अच्छी लग रही है, ये उतार के मेरी बाइक पे लगाओ। बताओ आते ही कपड़े उतारने पड़ रहे हैं भाई, ऐसे काम मत किया करो ना फिर। अरे राइडिंग पेंट ट्राई करके देख रहा हूँ भाई, पैसा हो तो क्या ना हो भाई। पैसे से मतलब क्या है भाई, राइडिंग पेंट कितने की आती है? 2,000-2,500 नहीं अपनी सेफ्टी के लिए। नहीं नहीं एक जीरो लगाना भूल गया बस। हाँ बस भाई सही लग रही है, फिटिंग देख फिटिंग सही है, फिटिंग तो सही लग रही है भाई। अच्छा इसमें भी वो डलेंगे भाई, बाइक लेके भी जाने को मिलेगी क्या भाई? ये तो बहुत अच्छी बाइक है भाई। हाँ इसको और नीचे। तो जितने बंदों को लग रहा है ना कि भाई जीन्स हम पहन के जा रहे हैं राइड पे, राइड बिल्कुल सेफ होनी चाहिए, प्रॉपर राइडिंग गियर होनी चाहिए, इसके अंदर ये वाला प्रोडक्ट लगा हुआ है और ये कह रहे कैंची से काटो भाई। काटो क्या हो गया? कोशिश तो कर रहा हूँ, रुक तो सही। काटो भाई क्या हो गया? तेरी उंगली ना काट दे वो तो एक ही बारी में कट जाएगी। अब किसी को लग रहा हो कि ये भाई कैंची नकली तो कुछ और काट के, ये जींस ओए नहीं मेरी नहीं भाई डन भाई शार्प है एकदम। तो बढ़िया ये चीज हम पहन के जा रहे हैं। जैकेट न्यू जैकेट न्यू ये मैं साइज ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसमें जाऊंगा ब्लैक में, मेरे को पूरा मैंने ब्लैक बन के जाना है, ये भी ब्लैक, शूज भी ब्लैक, ये भी ब्लैक। तो भाई फाइनली हमने ये सिलेक्ट किया ब्लैक ब्लैक, और ये जो इसमें देख रहे हो नियॉन कलर की लाइन, इसमें क्या फोटो आने वाली है H2 के साथ। हो सकता है अभी तक तो हमने डाल भी दी होगी, आपने इंस्टाग्राम पे देख भी ली होगी, अच्छी है। मैंने पहली बार ये ब्रांड ट्राई किया है बाइक कराती, तो धीरे धीरे बताते रहें कैसी लग रही। पहनने में तो बहुत बढ़िया है, गेयर वेयर भी बहुत बढ़िया, अभी आपको सीधर से वो काट के भी दिखाया, मतलब A to Z बढ़िया। लो भाई फाइनली अपने राइडिंग गियर आ चुके हैं, और खन्ना ने हमारे पैसे तो नहीं दिए लेकिन कह रहा है भाई राइड पे जा रहा हूँ तो मेरा बैग दे दे साथ में लेकर जाना है। कहाँ दी? एक मिनट सच बोल दूँ आपके सामने, इसने कैश दिए हैं हाँ या ना? झूठ मत बोलना भाई, इससे है ना। चलिए ले यार, ये लो भाई सबके सामने जरो एक बार देख लो, इसके अंदर मेरा सामान तो नहीं है, खोल के देख ले भाई। और सच बता रहा हूँ जो बंदा इसको मिला पता क्या बोलना, पहले तो अब ये बोलते थे ना 6,000 दे रहे, अब ये बोलना भाई बैग वापसी मिल गया अब तो दे दे 6,000 जो मिले ये बोलना जरूरी इसको। चलो भाई चलो, खन्ना जी मेरे पीछे बैठ के जा रहे हैं, इनकी बाइक करोल पर खड़ी है, मेरे को भी वहाँ काम है, ये अपनी बाइक वहाँ से ले लेंगे। सोच के आए थे यहाँ से 15-20 मिनट में निकल जाएंगे, 1.5-2 घंटे लगा दिए, 4,500 यही हो गए हैं, इतना सारा काम बचा हुआ है ना पता नहीं कैसे निपटेगा, बस निपटाना तो पड़ेगा ही। ओ भाई निकलने की जगह ही नहीं है, वाट लग गई वाट। ओहो हो पैक देख भाई, फुल पैक, ऑफिस छूट गया ना, गलती कर दी ये वाला रूट लेके, और कोई रूट है भी तो नहीं। इसे कहते हैं बाइक होने का फायदा, और अभी दिखाता हूँ इसे कहते हैं बड़ी बाइक होने का घाटा, कि बहुत देख के निकालनी पड़ती है। देखो ट्रक वाले भैया थोड़ी जगह दे दो, थैंक यू T-Wit 300, और क्या अलॉय लग रहा भाई, जो रेड कलर की लाइन है ना वो बढ़िया लग रही है, साइड से भी अच्छी लग रही है। लो भाई लो पहुँच गए हम, यहीं लगा दूँ, 2-4 यहाँ पर काम होंगे, एक आधा सैंडविच खाएंगे, पेट भी भर जाएगा, भूख भी लग रही है। अपने को क्या है ना एक स्टैंड का वो लगवाना है, स्टैंड थोड़ा चौड़ा हो जाएगा, और ये देखो यहाँ से मेरी विंडशील्ड टूट गई है देख रहा है, और ये मेरे को आज तक नहीं पता टूटी कैसे है, तो पूरी टूट जाएगी भाई। हाँ ये और ज्यादा कराया कोई ना, पूरी टूट जाएगी, इसको चेंज ही करवा देते हैं। लो भाई लो ये आ गई हमारी न्यू विंडशील्ड, और क्या ही बढ़िया लग रही है, ऐसा लग रहा कुछ है ही नहीं, एकदम ट्रांसपेरेंट आर पार दिख रहा है, और ये आ गया स्टैंड इसका, इससे क्या होगा ना मिट्टी में बाइक खड़ी करेंगे तो गिरेगी नहीं। तो भाई डैनियल भाई ने हमें बताया यहाँ का चॉकलेट शेक बहुत अच्छा, और सच में बहुत अच्छा है भाई, कैसा लगा? एक नंबर ना, चीयर्स भाई। तो भाई विंडशील्ड सेट और एकदम बढ़िया लग रही है, ये मेरी पहले वाली से ऊंची है क्या? हाँ। है ना क्या सही लग रही है, और ये भी लग गया है, अब कहीं भी इसको खड़ा करो, मिट्टी में रखो, जहाँ मर्जी रखो, कोई टेंशन नहीं, बाइक गिरने की कोई टेंशन ही नहीं है। चलो भाई अब निकल गए हम करोल बाग के लिए, और टाइम आपको बताऊं 7:45, कम से कम 1.5-2 घंटे वहां लगेंगे, कब घर पहुंचूंगा एडिट करूंगा, पूरा दिन ऐसा भागा दौड़ी में निकलता है ना। और विंडशील्ड अच्छी लग रही है, ये स्टिकर उतारना भूल गया, वहीं जाके उतारूंगा जल्दीबाजी में ना, आधे काम हम भूल ही जाते हैं। अब डुकाटी जा रही है, ये जा रही है हमारे साथ, अभी तक पता नहीं कौन सी बाइक जा रही है इन दोनों में से। लो भाई माउंट ही माउंट है, माउंट ही माउंट, अब बताओ किसको किसको
क्या चाहिए, जिसको जिसको चाहिए अपना ऑर्डर कर लेना, मैं बता दूंगा कहाँ से मंगाया तो तुम्हें लड़ा इसमें दे रहा हूँ। कहाँ लेके जा रहा है, मैं कैमरा कैसे टपरूंगा। और ये देखो भाई अपना सेट, अपना रेड कलर का दिखेगा, देखा नहीं इसका बैग वापसी कर दिया वो, तो देखो देखो सब हैरान होके देख रहे हैं। ये देखो भाई सबसे मेन चीज के मुंह से चिकन बाहर आया। मैं बताता हूँ एक्चुअली हुआ क्या ना, होने लग गया वहाँ पर ना जा राइडिंग गियर, आंसू आ गए बेचारे के ना कि मेरा बैग दे दे यार अच्छा नहीं लगता, पैसे नहीं है देने के लिए, बैग तो दे दे मेरा ले ले यार, कोई बात नहीं ठीक है भाई, ये तो मेरा दिल पिघल गया यार। लो भाई फाइनली अपना सेटअप कंप्लीट, कितना मजबूत है कितना नहीं है तो रस्ते में पता लगेगा, और कितना सुंदर लग रहा है। तो भाई टाइम देख लो एक बारी, रात के 8:10 और हम अपनी सामान बांधने के लिए ना बंजी लेने जा रहे हैं। अभी बताओ, अभी मेरी बाइक का एग्जॉस्ट चेंज हो रहा है, मेरे ख्याल से 10-1 बजे घर पहुंचूंगा। अक्सर हमारी राइड से पहले ना ऐसा होता ही होता है, 3-4 दिन जो पहले के होते हैं ना, ये भी चाहिए ये भी चाहिए ये भी चाहिए, मतलब ये होता है कि रास्ते में किसी चीज की जरूरत पड़े और हमारे पास ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो खन्ना जी जा रहे हैं वहाँ बंजी लेने के लिए और हम पहुँच गए हमारा एग्जॉस्ट लेने के लिए। लाओ भाई लाओ हमारा एग्जॉस्ट दो। गुड मॉर्निंग, अरे कैसे हो, गुड मॉर्निंग। लो भाई अपनी बंजी मिल गई है, मेन चीज यहाँ आके पता लगा एग्जॉस्ट तो वहीं पर पड़ा हुआ जहाँ से हम आए हैं। लो भाई लो, ये देखो इसे कहते हैं एग्जॉस्ट, मतलब आज तक शायद आपने ऐसा एग्जॉस्ट नहीं देखा होगा। पहले ये बता, अगर ये यहाँ पड़ा था तो तूने हमें वहाँ के भेज दिया था? यहाँ नहीं पड़ा, वहीं से मैं खुद लेकर आया। तो क्या पागल बना रहे हो यार, तुम पता क्या कर रहे हो, थके हुए बंदे को थका रहे हो। मैं वहाँ के एग्जॉस्ट लेने को यही पड़ा हुआ, यहाँ ये कह रहे वहाँ पड़ा हुआ है। कितने का ये है? 85,000 का। 85,000 जीएस के लिए तो सस्ता ही है भाई साहब, लेकिन चीज लग रही है ना साइड से, क्या लगा हुआ लगेगा। जीएस के लिए इससे बढ़िया एग्जॉस्ट नहीं है, सच्चाई देखा जाए कसम से भाई, लगा हुआ ही अलग ही चीज लग रही है। अब अपनी बीएम ना और ज्यादा तैयार हो गई है, विंडशील्ड भी चेंज हो गई, एग्जॉस्ट भी चेंज हो गया, और अब घर जाके उसने बोल दिया ना ये बाइक नहीं लेके जानी, मल्टी स्टार्टर लेके जानी, वो भी घर पहुंच गई एकदम सही होके। भगवान इतनी बाइक है सबको देगी भाई, रोड ट्रिप से पहले कंफ्यूजन हो कौन सी लेके जाए ना, मेरे को हमेशा कंफ्यूजन होती कौन सी बाइक लेके जाऊं। तो भाई अब आपको एक बार इसकी आवाज सुना देते हैं, डीबी किलर लगा हुआ है ना, डीबी किलर लगा के ही जाना है। न्यूट्रल है वो, एकदम स्मूथ साउंड। बहुत ज्यादा टाइम लग गया, छोड़ो अब बार बार आपको क्या ही बताऊं, लेट हो गए। अब जो हो गया वो तो हो गया, लेकिन काम सारे हो गए। एग्जॉस्ट एकदम इसमें बढ़िया लग गया, बाइक एकदम साइलेंट होगी, बिकॉज साहिबा ने कहा था अगर ये लेके जाऊंगी ना साइलेंट करवा देना, ज्यादा शोर मजाए ना तो सर में दर्द हो जाता है। हमें तो आता था, हमें मजा आता है बाइक इतना शोर मचाए ताकि दूर तक पता लगे हम आ रहे हैं, लेकिन कईयों को मजा नहीं आता। तो अभी मैंने अपने हेलमेट में माउंट नए वाले लगाए हैं, एंगल का मेरे को आइडिया नहीं है, घर जाके देखूंगा सही एंगल पे वीडियो बन रही है नहीं बन रही। और एक फायदा ये है इस टाइम निकलने का, जाम नहीं मिलेगा बिल्कुल भी। धौलागुआ मैं पहुंच गया, 15-20 मिनट मैक्सिमम घर पहुंच जाऊंगा, मतलब 9:30 तक घर पहुंच जाऊंगा, फिर जाते एडिटिंग पे बैठ जाऊंगा, वीडियो एडिट करूंगा, पैकिंग करूंगा, मस्त सो जाऊंगा। कोशिश करूंगा 12-12:30 तक सो जाऊं और 5 बजे उठ जाऊं, कम से कम 5 घंटे की नींद मेरे को मिल जाए। लो भाई लो पहुंच गए हम लोग घर, और अभी टाइम बताऊं 9:15, आज रास्ता खाली था, 15-20 मिनट में घर पहुंच गए, नहीं तो कम से कम 1-1.5 घंटा लग जाता है। और आगे बाइक घुसाने की जगह भी नहीं है, और मैं सोच रहा हूँ जगह होती भी तो बाइक यहीं लगाते हैं, यहाँ लगाने से फायदा ही होगा ना। सुबह 4 बजे में बाइक निकालनी है, और कोई गाड़ी लग जाएगी तो बाइक निकलेगी नहीं, जो वहाँ खड़ी है उसको भी यहाँ करना पड़ेगा। लो भाई अपनी दुकाटी भी वापस आ गई है, अब मुझे नहीं पता राइड पे ये जा रही है वो जा रही है, अभी तक मैं कंफ्यूज हूँ, लेकिन क्या ही सुंदर लग रही है, और जगह भी है अपनी H2 यहाँ से निकाल के उसी के साथ खड़ी कर देते हैं, ये ना हो इससे पहले और कोई गाड़ी वाड़ी यहाँ पर आ जाए, खड़ी करने की जगह ना बचे। चलो फाइनली दोनों बाइकें यहाँ निकाल दी, अभी गाड़ी भी आ जाएगी ना तो दोनों निकलने में आसानी रहेगी। और मैं क्या सोचो ना मल्टी स्टार्टर भी यहाँ लगा देता हूँ, वैसे मैं फ़ोन करके पूछ लेता हूँ कौन सी लेकर जानी है, दोनों में से जौन सी लेकर जानी होगी इजीली निकल जाएगी। तो हमेशा आप देखते हो ना यहाँ से हम गाड़ियाँ हटवाते रहते हैं, ये हमारे अंकित भाई हैं जिनकी गाड़ी खड़ी होती है, एक फ़ोन करते हैं हटा देते हैं। बहुत बहुत थैंक यू भैया, अब 1 हफ्ते बाद मिलेंगे। चलो ऑल द बेस्ट, थैंक यू। कोको ने आजकल ना अपनी नई लोकेशन देख ली बैठने के लिए, और घर पे ही आते हैं। मैंने बनाई एक बढ़िया सी चाय, अभी मेरे को सारी चीज़ें पैक करनी है, काफ़ी चीज़ें मैंने पैक भी कर ली हैं। 15 मिनट हो गए मेरे को घर आए हुए, अभी हेलमेट चार्जिंग पे लगाना है, मैं हेलमेट का ब्लूटूथ GoPro ड्रोन में चार्जिंग पे लगा गया था, उसके बाद बैठेंगे वीडियो एडिट करने के लिए। और इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, होप करते हैं आपको आज की वीडियो में मजा आएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा ना याद से सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टा पे भी फॉलो कर लेना, कल से हमारी नेपाल राइड शुरू होने वाली है। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ, बहुत ज़्यादा डरा भी हुआ हूँ, बस सब कुछ सही रहे। और हाँ
iMac जीतने की अपॉर्चुनिटी बिल्कुल मत भूलना। OctaFX ट्रेडिंग ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और पार्टिसिपेट करना बर्थडे कॉन्टेस्ट में, और मेरा प्रोमो कोड प्रभजोत यूज करके अपने डिपॉजिट को डबल जरूर करना। यही बेस्ट टाइम है स्टार्ट करने का, तो स्टार्ट करो। इस वीडियो को यही पे एंड करते हैं, होप करते हैं आपको मजा आएगा। यहाँ तक वीडियो देख लिया, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। मिलते हैं किसी बड़े से वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय 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 बाय। और रास्ते में मीटअप करते हुए जाएंगे, जहां जहां पहुंचेंगे स्टोरी डालते रहेंगे, बस इंस्टा पे फॉलो कर लेना। चलो बाय बाय। वाली जीत भले आ जाए मौत, अब हुआ कामयाब, ना बचा किसी का खौफ, अब शोहरत पाली मैंने, दौलत पाली, पापा की छाती चौड़ी के सामने टिकेगा कौन।